नमस्कार, आरएन रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं बनाने जा रही हूँ अपनी नए किचन स्टूडियो में पहली वीडियो, और बहुत ही हेल्दी वीडियो बनाऊंगी मैं। जाड़े के लिए स्पेशल बाजरे के आटे का केक, बहुत ही हेल्दी केक बनेगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे बनता है वो आपको दिखाते हैं। पहले आपको हम सारी सामग्री दिखा देते हैं, हमें इसमें क्या क्या चाहिए। इसमें हमें चाहिए बाजरे का आटा, मैदा, पिसी हुई चीनी, दही, वेजिटेबल ऑयल और किशमिश। हमने लिए थोड़ी सी मिक्स ड्राई फ्रूट, इसमें हमने लिए हैं काजू, थोड़े से पिस्ते, थोड़े से अखरोट। इसमें आपको जो इच्छा हो वो आप लीजिएगा। हमने लिया है थोड़े से चोको चिप्स, और लिए हमने टूटी फ्रूटी, और एक पिंच नमक चाहिए। केक में नमक डालेंगे तो उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है केक का। और हम लेंगे आधी चम्मच बेकिंग सोडा और डेढ़ चम्मच बेकिंग पाउडर, और हमने लिया दूध। दूध हम इसमें आवश्यकता अनुसार डालेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कितनी कितनी सामग्री हमने ली है इसमें। और हमने आपको तीन चीज़ें बताना भूल गए थे। उसमें हम लेंगे दो चम्मच कोको पाउडर, और हम लेंगे एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कोको पाउडर हमने बड़ी चम्मच लिया है, और हम डालेंगे वनीला एसेंस एक छोटी चम्मच। सबसे पहले हम एक बर्तन में लेंगे दही, इसको हम कर देंगे बर्तन में। इसमें डालेंगे हम ऑयल। अब हम लेंगे डेढ़ कटोरी चीनी, अब इनको मिलाएंगे हम। बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे इसमें हम। इसमें सभी कुछ अच्छी तरह मिल गया है, देखिए। अब इसको भी एक साइड में रख देंगे। हम एक दूसरा बर्तन लेंगे, इसमें रखेंगे हम चलनी, और इसमें डालेंगे हम बाजरा का आटा एक कटोरी है, आधी कटोरी मैदा है। इसमें हमने एक कटोरी बाजरे का आटा डाला है, आधी कटोरी हम और डाल देंगे। इसको डाल देंगे इसमें हम, नमक डाल देंगे, बेकिंग सोडा आधी चम्मच है, बेकिंग पाउडर डेढ़ चम्मच है, नमक हमने लिया है एक चुटकी। अब इनको हम छान लेंगे। हमने छान लिया है मैदा, बाजरा छान लिया है दोनों मिला करके। अब डाल देंगे इसमें हम सारी सामग्री, टूटी फ्रूटी, चोको चिप्स, किशमिश, ड्राई फ्रूट है, काजू, पिस्ता, अखरोट। इसको आप नहीं डालना चाहे तो आप मत डालिएगा। इसमें से आप जो भी सामग्री हटाना चाहे हटा सकते हैं, या नहीं कुछ भी नहीं डाले तो मत डालिए इसको आप कुछ भी। सबको मिलाएंगे अच्छे से हम। अब हम इसमें चलनी रखेंगे, और इसको डाल देंगे हम चलनी में। फिर से इसके एक बार हम छानेंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे। देखिए हमने छान लिया है, और जो भी हमने सामग्री डाली थी इसमें, ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी डाले थे वो सब ऊपर आ गए हैं। अब इसको हम निकाल देंगे अलग कटोरी में, और इसी प्रकार से हम छान करके अलग कर लेंगे ड्राई फ्रूट।
इसमें हमने सभी सामग्री डालनी है। अब डाल देंगे इसमें हम कोको पाउडर 2 चम्मच है, कॉफी पाउडर 1 चम्मच, सबको मिलाएंगे। हम केक को हमेशा एक ही तरफ से मिलाएंगे इस प्रकार से। अब डालेंगे इसमें हम दूध। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पहले। और देखिए इसको एक ही तरफ से हम मिला रहे हैं इसको। अब डालेंगे इसमें हम वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आपके ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहे तो आप मत डालिएगा। 1 छोटी चम्मच डाला है हमने करीब इसमें। हमने इसको अच्छे से मिला लिया है, अब इसको हम निकाल देंगे इसमें से। हम इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट अलग निकाल लेंगे। इतने निकाल लेंगे और बाकी के हम डाल देंगे इसमें। अब इसको मिलाएंगे। इसमें मिला लिया हमने अच्छी तरह से। पहले पैन को गर्म कर लेंगे। एक हमने पैन रख दिया गैस पे और इसमें हमने एक स्टैंड रखा है। गैस को हम बिल्कुल तेज कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा प्री हीट होने देंगे। हम एक केक टिन ले लेंगे, कोई सी भी या कोई और बर्तन ले सकते हैं। अगर केक टिन नहीं है आपके पास में तो हार्ट शेप में या चौकोर में या हम गोल ले सकते हैं, जैसी हो वैसी ले सकते हैं। कोई बर्तन हो तो उसको भी हम ले सकते हैं। हम बनाएंगे इसमें केक आज। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच हमने डाला है ऑयल। इसको हम पूरे में लगा देंगे। एक चम्मच हम लेंगे बाजरा का आटा। इसको हम पूरे में इस तरह से फैलाएंगे चारों तरफ अच्छी तरह से, और बची हुई इसमें से हम बाजरा का आटा झाड़ देंगे। अब हम बैटर को इसमें करेंगे। तैयार है बैटर हमारा। हमने इसमें कर दिया बैटर। हमेशा ध्यान रखेंगे हम पूरा ऊपर तक भर के नहीं करेंगे। अगर बैटर ज़्यादा बन जाए तो उसमें से हम कम करेंगे, किसी और बर्तन बना सकते हैं बचा हुआ बैटर को। इसमें हमारा पूरा बैटर नहीं आ पाया था, हमने बैटर अलग रख दिया। उसको हम किसी और बर्तन में करके बना लेंगे, या सिलिकॉन की बॉल से मेरे पास है कटोरी है उसमें बना सकते हैं। अब इसको हम ऐसे करेंगे, टैप करेंगे। इसमें हम ऊपर से अब बचे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। देखिए गरम हो गया है। जिस प्रकार से ओवन होता है माइक्रोवेव, उसी प्रकार से
प्रीहीट हो गया है, ये पहले से ही हमने कर दिया है इसको। अब इसमें हम लग देंगे केक का बैटर अपना और इसको हम ढक देंगे। अब इसको हम 30 मिनट के लिए बनने देंगे बिल्कुल धीमी गैस पे। गैस हमने बिल्कुल धीमी कर दी है। 30 मिनट के बाद इसको हम फिर हम चेक करेंगे केक बना है कि नहीं बना है। हम देख लेते हैं केक को। एक हम टूथपिक लेंगे या चाकू कुछ भी लेंगे, उसको हम इसमें इस प्रकार से डालेंगे। देखिए केक चिपक नहीं रहा है बिल्कुल भी। देखिए केक बन चुका है। हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल करके हम पहले ठंडा कर लेंगे। देखिए हमने हार्ट शेप में भी केक बनाया था, बचा हुआ बैटर हमारा था उसको हमने हार्ट वाली टिन में डाल करके इसी प्रकार से उसके भी बना लिया था। और अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हमने निकाल के रख लिया है अलग, बहुत सावधानी से निकालेंगे, गर्म बहुत है। हमने इसको भी निकाल के रख लिया है और इसको भी। अब हम दोनों को ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद इसमें से हम निकालेंगे इनको। केक ठंडा हो चुका है, देखिए दोनों केक ठंडे हो चुके हैं। इनको हम निकालेंगे। पहले हम इसको निकालते हैं हार्ड वाले को। इसके लिए हम एक चाकू लेंगे और इसकी ऐसे किनारी पे इस प्रकार से हम करते जाएंगे इस तरह से। देखिए कितनी आसानी से छूट रहा है केक। अब इसको हम एक प्लेट लेंगे। हम उस प्लेट को ऐसे हम उल्टा करेंगे और इस केक को नीचे से पकड़ करके हम इसको ऐसे कर देंगे। इसको हम हल्के हल्के हाथ से ऐसे टैप करेंगे। देखिए देखिए कितनी आसानी से निकल गया, कितना अच्छा बना है केक। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं केक को। देखिए कितना अच्छा बना है केक। इसी प्रकार से हम इसको भी निकाल लेंगे। अब इसको भी हम चाकू से निकालेंगे किनारे इसकी। दोनों केक को बनाने में बराबर का समय लगा था। हमारा केक बना है 50 मिनट में। 30 मिनट में नहीं बन पाया था केक हमारा, 50 मिनट में दोनों केक हमारे बन गए थे। कभी कभी ज़्यादा समय लगता है बनने में, कभी कम समय लगता है बनने में। जी गैस की फ्लेम और बर्तन पे डिपेंड करता है कि केक कितनी देर में बनेगा। निकल गया, इसको भी निकाल लेते हैं। वो इसको भी ऐसे करेंगे और हम इसको पलट देंगे। देखिए निकल गया केक। अब इसको हम सीधा कर देंगे। देखिए ये वाला केक भी कितना अच्छा बना है, कितनी आसानी से निकल गया है। बहुत ही अच्छा बना, स्पंजी केक बने हैं दोनों। तैयार है केक हमारा बाजरा का चॉकलेटी केक। बहुत अच्छे बने हैं केक हम दोनों। हमारे दोनों हमने सेम बनाए हैं, बचे हुए बैटर से हमने इसको भी बना दिया था और बहुत अच्छा बना है और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है। इसमें मैदा हमने थोड़ी डाली है, अगर आपको नहीं डालनी है तो आप मैदा मत डालिएगा। बिना मैदे के भी ये आसानी से बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट है खाने में, उसी प्रकार से जैसे और केक होते हैं खाने में। इसको आप बनाइए और खिलाइए पूरे परिवार को। आप बाजरा का हेल्दी केक चॉकलेटी केक काट के दिखाते हैं आपको केक का।
देखिए कितना अच्छा बना है, बाजरा का फ्रूट केक चॉकलेटी। आपको मेरी ऐसी केक की वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।